हाँ जी, आगे है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, अगर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी अगर किसी भी कंपोजिट नंबर जैसे 144 लिया मैंने, इसको हम फैक्टर करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं, और वो क्या होगा, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब ऐसे ही होगी, चाहे इंडिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे रशिया में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा स्टूडेंट 144 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो उसका यही आंसर आएगा। इसका मतलब है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये इनकी तरतीब, इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसके फैक्टर यही रहेंगे, तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी कि गणित की एक फंडामेंटल बेसिक एक थ्योरम है, जिसमें कहा गया है कि कंपोजिट नंबर कोई भी हो, उसको अगर फैक्टराइजेशन ऐसे करें, उसको प्राइम फैक्टर, यानी कि ये दो दो तीन तीन ये प्राइम नंबर्स हैं जो किसी से और किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या वन से डिवाइड होते हैं, तो ऐसे नंबर से इनको फैक्टराइज किया जाए तो इनकी जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगी। यानी कि यही नंबर, ये वाले 4 बार 2 और 2 बार 3, यही नंबर आएंगे जब फैक्टराइजेशन कोई भी करेगा। यानी कि एवरी नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर के फैक्टर यही बनेंगे, तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके।